हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, मैपिंग योर वे। सो इन प्रीवियस चैप्टर कैन यू सी द पैटर्न, वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्वड मेनी क्वेश्चंस आल्सो, एंड इन यस्टरडेज क्लास वी हैव आल्सो डन ए वर्कशीट। सो सम ऑफ यू डिडंट डू द वर्कशीट टिल येट, सो प्लीज सम कंप्लीट योर वर्कशीट एंड सीन इन ग्रुप्स। सो आवर न्यू चैप्टर इज मैपिंग योर वे। तो हम जब भी एक मैप के बारे में कुछ सुनते हैं, तो मैप के बारे में सोचते हैं, तो हमारा पहले दिमाग में आ जाता है इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप के बाद और जो पॉपुलर मैप है या हम लोग के बीच, तो वो है वर्ल्ड का मैप। तो हम इंडिया का मैप देखे हैं, वर्ल्ड का मैप भी देखे हैं, और दोनों में अंतर भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इंडिया का मैप जो होता है, उसमें अगर हम ज़्यादातर समय देखेंगे तो वो डिनोट्स करता है स्टेट्स को। जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, उसके वो ज़्यादातर स्टेट्स को दिखाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऐसे। तो वैसे ही अगर हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कंट्रीज़ का नाम मिलता है, जैसे कि हमारा क्या क्या है ना, इंडिया, चाइना, ईरान, इराक और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एटेसरा। तो ये सब एक तरह मैप है कि हमारा इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है। सपोज तो मैप क्या है, हमको इंफॉर्मेशन देता है कोई भी चीज़ के बारे में। हमें क्या करता है ना, मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, या फिर हमारे गांव का मैप हो। हमारा गांव के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसे ही हर किसी भी मैप हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या है, प्लेस होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया झारखंड, छत्तीसगढ़, एटेसरा, प्लेस के बारे में देता है। और किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन, कौन से दिशे में जाने से कौन सा ये होगा। तो और किसके बारे में देता है ना, प्लेस के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट वेज के बारे में देता है, जो रोडवेज होता है, एयरवेज होता है, वाटरवेज होता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, माइंस के बारे में हम चाहेंगे तो इंडिया के कहाँ पर कौन सा खादान है, इसका भी मैप्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैप्स का हर तरह का यूज है। तो हमारा स्कूल में भी हमारा कौन सा प्लेस कहाँ पर है, उसको लेके हम एक छोटा सा मैप भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक मैप को कैसे समझेंगे और उसी मैप को कैसे कंटिन्यू करते रहेंगे और फिर एक नया मैप कैसे बनाएंगे, ये है हमारा जो चैप्टर मैपिंग और हुए उसका जिस्ट। और उसी को जानने के लिए हमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, नए चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, हमें एक मैप को ठीक से समझ पाएंगे, और वो मैप समझने के बाद हम क्या करेंगे ना, उस मैप में कुछ ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, और क्या कर सकते हैं ना, एक नया मैप बना सकते हैं, किसी छोटा सा प्लेस का हो, किसी एरिया का हो, हम क्या करते हैं मैप बना सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विथ ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे पैरेड विद द अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर स्कूल। एज द चिल्ड्रेन सेटल डाउन, दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट। दिस वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो हियर आशी एंड हर फ्रेंड्स वेर गोइंग टू आशी एंड हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू इंडिया गेट टू वॉच रिपब्लिक डे पैरेड। सो दे हर्ड ए अनाउंसमेंट देर, एंड द अनाउंसमेंट वॉज, टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट। दिस वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी के बारे में अनाउंसमेंट किया जा रहा था। तो उसमें जाने से पहले, इंडिया गेट जाने से पहले, वो लोग क्या क्या तैयारियाँ करके गए होंगे, और फिर कौन से रास्ते, कौन से गाड़ी पकड़ के गए होंगे, ये भी हम लोग मैप में दिखा सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ पीपुल सिटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ राजपथ, दे मेन रोड एलोंग व्हिच द पैरेड पासेस। चिल्ड्रेन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स दे कैन सी अराउंड देम। हियर इज ए फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। You can see Rajpath, the road which joins India Gate to Rashtrapati Bhavan marks where Rajpath will Aditi be. So here is a map one denoting this is the Rashtrapati Bhavan, and this is the Rashtrapati Bhavan, and this is India Gate here. This is India Gate.
सो देर आर द रोड कनेक्टिंग द राष्ट्रपति भवन विथ इंडिया गेट इज नोन एज द राजपथ। जो सीधी रोड राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट को कनेक्ट किया है उसे ही बोला जाता है राजपथ। तो वो राजपथ के ऊपर ही पैरेड पास होने वाला है, तो यही लोग देखने के लिए राजपथ के दोनों साइड पे खड़े हैं, जो भी देखने के लिए पैरेड गए हैं उधर। तो उसी के बारे में एक फ़ोटो भी खींचा गया है, देखो एक फ़ोटो खींचा गया है हेलीकॉप्टर से आप लोगों के लिए। और हम क्या करेंगे ना, हमारा जो मैप है और फोटो के साथ कंपेयर करेंगे, मैप और फोटो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे तो ये क्या है। सो पहले यहाँ पर देखेंगे जो, अगर हम लोग तो मैप में हमारा है राष्ट्रपति भवन है, मैप पे हमारे पास क्या है, राष्ट्रपति भवन है। तो हम देखेंगे पहले राष्ट्रपति भवन का है ना, ये है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन यहाँ दिख रहा है हमको। तो फिर आता है विजय चौक, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें विजय चौक नजर आएगा। फिर हमें रफी मार्ग नजर आएगा, जैसे यहाँ पर रफी मार्ग है वो भी हमें नजर आ रहा है। तो फिर और क्या हो रहा है ना, जनपद हमें नजर आ रहा है, ये वाला है जनपद, यहाँ से ये से जनपद गया हुआ है। और फिर क्या है हम देखेंगे तो ना, मानसिंह रोड जो ये रास्ता है, ये है मानसिंह रोड जो क्रॉस किया गया है। और जो सीधी रास्ता राष्ट्रपति भवन से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया गेट को, उसे बोला जाता है राजपथ। तो ये है हमारा जो एक्चुअल फोटो और रियल मैप के बीच में कंपैरिजन। तो आप लोगों के लिए आज इतना ही है, और आप लोग इसी दोनों को कंपेयर करके हमें बताएंगे, हैव यू सीन ए मैप ऑफ ए सिटी, लुक एट मैप वन, मैच इट टू विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट्स इज ड्रॉ इट ऑन द मैप। अच्छा, आप लोगों को कंपेयर करना है इंडिया गेट और मैप में कहाँ है और फोटो में कहाँ है। सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। अच्छा, आप लोगों को पूरा फोटो में वो रोड को भी ढूंढना है, जैसे हम कौन सा रोड ढूंढ लिए फोटो में, हम लोग रफी मार्ग ढूंढे हैं, जनपथ ढूंढे हैं, मानसिक रोड ढूंढे, और क्या ढूंढ सकते हैं ना, और हम जो ढूंढ सकते हैं वो है कैलाश मार्ग, सॉरी कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये है कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये है तिलक मार्ग, ये है जाकिर हुसैन मार्ग, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं ना, और तीन रोड भी ढूंढ सकते हैं, और ये है नेशनल स्टैंडर्ड जाने की ओर रास्ता। तो ऐसे हम और तीन मैप भी ढूंढ सकते हैं। ओके, तो फिर लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप वन एंड कैन यू सी इट इन फोटो। अच्छा, नेशनल स्टेडियम हमको फोटो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन लुक फॉर द हमको जो नेशनल स्टेडियम जाने के लिए जो रास्ता है वो दिख रहा है। नेम रोड्स दैट विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। तो आप लोग क्या करेंगे ना, ये वाला मैप आज बनाएंगे अपने कॉपी में, उसमें सारे रास्ता का नाम मेंशन करेंगे और हमें बताएंगे लास्ट नंबर 3 का आंसर, नेम रोड्स दैट विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आने के लिए कौन सा रास्ता हमारा रास्ते को क्रॉस करने लगेगा। तो यह यहाँ पर हम आपको दिख रहा है रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड, इसे इन सब का नाम लिखना है। तो आज के लिए आपका इतना ही काम है, आप ये वाला मैप अपने कॉपी में बनाएं और उस जो जितने सारे रोड दिए गए हैं उसका नाम लिखें। धन्यवाद।